सर्जरी ऑनलाइन क्लास एंड टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्रुसेलोसिस। व्हाट इज ब्रुसेलोसिस? इट इज एन जूनेटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई। ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई जो कि ब्रुसेला जिसको हम कहते हैं, एंड स्पेशलिटी इसकी क्या है, दिस आर वेरी माइन्यूट टाइनीस्ट। जब इसको लैब में देखेंगे तो दे आर वेरी टाइनी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? थ्रू इन्फेक्टेड कैटल्स, काउस, डॉग्स। तो ये जो ब्रुसेला होते हैं, द ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई, ये सबसे पहले इन्फेक्ट करते हैं काउस, कैटल्स, शिप्स को, एंड थ्रू देम इन्फेक्शन ट्रेवल इन टू द ह्यूमन बींग्स। तो एट हाई रिस्क पे कौन है? फार्मर्स, रेचर्स, जो डील कर रहे हैं फार्मिंग में कैटल्स, शिप्स, काउस से, तो उनको इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड होता है। अगर उनकी कोई इंजरी है, कट है, एंड वो कॉन्टेक्ट में आ गए, तो उनमें जल्दी इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। अगर उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं ली है, लाइक दे आर नॉट वेयरिंग एनी गोगल्स और ग्लव्स इन देयर हैंड्स, देन दे आर एट हाई रिस्क। बिसाइड दिस, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनपास्टराइज्ड मिल्क। जो लोग बिना उबाले दूध पीते हैं तो उनको ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि ये जो ब्रुसेला है, द ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई, ये सबसे ज़्यादा ग्रो मिल्क में करता है। मिल्क में इसकी लाइफ बढ़ जाती है और ये बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करता है। सिम्टम्स में, क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो सिम्टम्स में फीवर मिलेगा, बट एट द स्टार्टिंग जो फीवर होगा उसका रीज़न नहीं समझ में आएगा। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, क्योंकि कल्चर करवाएंगे, रिपोर्ट आएगी, टाइम लगेगा, तो पहले रीज़न नहीं समझ में आएगा। तो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। बिसाइड दिस, बॉडी एक मिलेगा, फैटीक मिलेगा, मसल एक होगा, देन जॉइंट्स पेन मिलेगा। इसके अलावा वेट लॉस, एनोरेक्सिया, हेडेक, दिस आर द जनरल सिम्टम्स विच आर फाइंड इन एवरी इन्फेक्शन। एंड जब ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगी, एंड जब लिम्फेडेनोपैथी होगी तो स्प्लीन में स्प्लीनोमेगली होगी, स्प्लीन एनलार्जमेंट होगी, लीवर बड़ा होगा, हेपेटोमेगली होगी, एंड ऐसे ऐसे लिम्फ में जब ये बॉडी में ट्रेवल करेगा तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगेगा। जब इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो इट कैन रीच टू बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन। हार्ट के अंदर भी जब एग्जामिनेशन करेंगे तो मर्मर सुनाई देगा, एंड अबनॉर्मल हार्ट बीट्स, साउंड्स, पालपिटेशन, ये सब सिम्टम्स आएंगे। बिसाइड दिस, इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये ब्रेन तक चला गया तो वहाँ पे इट विल प्रोड्यूस मैनेंजाइटिस, एंसेफेलोलाइटिस, एंसेफेलोपैथी। एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 weeks। ब्रुसेलोसिस अ जूनेटिक इन्फेक्शन मोर कॉमन इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक तुर्की एंड मैक्सिको में भी ये कॉमन है। फार्मर्स में ज़्यादा तक होता है। ब्रुसेला स्पीसीज आर स्मॉल ग्राम नेगेटिव एरोबिक कोकोबेसिलाई। दे आर स्मॉल ग्रोइंग इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच हिस्टोपैथोलॉजिकली कॉसेज अ क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। Transmission to humans occurs after occupational exposure or through ingestion of contaminated food or unpasteurized milk. Now, survival of Brucella. Direct sunlight में ये मर जाते हैं, cold and freezing temperature में months से year तक survive करते हैं, तो means they need cold temperature for growth and heat में ये मर जाते हैं. Now, microbiology. They are small, non-motile, intracellular gram-negative rods. ग्राम स्टेन टाइनी ग्राम कोकोबेसिलाई, स्मॉलेस्ट जीएन ऑर्गेनिज्म सीन इन द माइक्रोलैब। जनरली दिस ग्रोथ इज वेरी स्लो इन ब्लड एंड चॉकलेट अगार, बट मिल्क में ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है एंड फ्रोजन मीट में। सो दैट मीन्स इनका सर्वाइवल एक्सटेंड हो जाता है मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज पे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इस इन्फेक्शन का? लाइक कंटेमिनेटेड मिल्क या अनपास्टराइज मिल्क का कंसप्शन हुआ, मीट का कंसप्शन हो गया, या फिर इन्फेक्शन ऑल्सो पॉसिबल थ्रू स्किन लेजन्स, कंजक्टिवा, और फ्रॉम इनहेलिंग कंटेमिनेटेड डस्ट और एरोसोल्स, या ब्लड ट्रांसफ्यूशन, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन थ्रू कट्स हो गया, जैसे कोई इंजरी कट है वहां पे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन टच हो गया, या शिप या
कैटल जो इन्फेक्टेड है वो टच हो गई. देन कंजेनेटल भी है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एंड ऑल्सो थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फीवर होगा, इट कुड बी लो ग्रेड और हाई ग्रेड. हाई ग्रेड होगा तो चिल्स, रिगर, लेथार्जी, वीकनेस, फैटेग, जॉइंट पेन्स, हेडेक. देन स्क्रोटल पेन, अगर स्क्रोटम तक इन्फेक्शन गया है. एनलार्ज लिम्फ नोड्स होंगी, दैट इज लिम्फेडेनोपैथी. लीवर एंड स्प्लीन का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हेपेटोमैगली एंड स्प्लीनोमैगली, मीन्स एनलार्जमेंट हो जाएगा लीवर एंड स्प्लीन में. देन इन्वेस्टिगेशन में ब्लड रिपोर्ट्स में हेमेटोलॉजिकल जो रिपोर्ट होगी, एनीमिया मिलेगा, ल्यूकोपेनिया, पेनसाइटोपेनिया, न्यूरोलॉजिक जो फीचर्स मिलेंगे, ब्रेन में अगर पहुंच गया तो मेनिनजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, माइलाइटिस, एनसेफेलोपैथी. अगर हार्ट तक पहुंच गया तो एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, अगर सारी लेयर तक हो गया हार्ट के, एंडोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस, मायोकार्डिक एनोरिज्म, मर्मर साउंड सुनाई देंगे. देन डर्माटोलॉजी फीचर्स, जैसे कि स्किन में क्या फीचर्स मिलेंगे, अल्सर्स, परपुरा, फ्लैट और इरेगुलर इरप्शंस, एप्सिस फॉर्मेशन होगा, रिकरेंट इंजरी होती रहेंगी, वो ठीक नहीं होंगी. देन फार्मर्स, वेटनेरियंस आर एट हाई रिस्क. जो गांव के लोग हैं, रूरल एरिया के, जो पुअर हैंडलिंग कर रहे हैं एनिमल्स को विदाउट एनी ग्लव एंड गोगल्स एंड बिना उबाले दूध पी रहे हैं, टेकिंग अनपास्चराइज्ड मिल्क या कंटेमिनेटेड मीट. देन कॉम्प्लिकेशंस में बोन्स एंड जॉइंट्स में अगर इन्फेक्शन पहुंच गया तो वहाँ पे पेन होगा, लाइक बैकएक वगैरह. देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में टाइफाइड फीवर हो सकता है. लीवर में हेपेटाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस एंड जॉइंटिस हो सकता है. लंग्स में अगर पहुंच गया तो निमोनिया, लंग नोड्यूल्स एंड एम्पायमेमा मिलेगा. बिसाइड दिस ऑर्काइटिस इज फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन इन मैन. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अगर हार्ट तक पहुंच गया, ब्रेन में पहुंच गया तो मैनिनजाइटिस एंड क्यूटेनस कॉम्प्लिकेशन. स्किन में क्या मिलेंगे, रैश, नोड्यूल्स, पैप्यूल्स, एरिथमा, क्यूटेनस अल्सर, एप्सिस एंड सपोरेटिव फेंजाइटिस. देन पैथोफिजियोलॉजी में, जैसे कि बाकी पैथोजेंस होते हैं उनको मैक्रोफेजेस आते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं, एनगल्फ करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस. तो इसमें भी ऐसे ही होता है. बट अगर ब्रुसेला बहुत स्ट्रांग है तो ओवरकम कर लेता है एंड इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगता है. तो व्हेन इंजेस्टेड ब्रुसेला ऑर्गेनिजम्स आर फेगोसाइटोस्ड एंड एंटर द इंटेस्टाइनल सबम्यूकेसा वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लिम्फोइड टिश्यू बाय मैक्रोफेजेस. सिम्टम्स फ्रिक्वेंटली लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन विद ब्रुसेलोसिस में लास्ट फॉर ईयर्स. तो ऐसे करके किडनी, स्प्लीन, सब तरह इन्फेक्शन फैलता है, ब्रेन में भी चला जाता है. तो ब्रेन में एंसेफेलाइटिस, माइलाइटिस, पेरिफेरल एंड क्रेनियल न्यूरोपैथिस, सब एरेक्नॉइड हैमरेज एंड साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस मिलने लगती हैं. दिस आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस जो लेटर स्टेजेस में मिलती हैं एंड जब ब्रुसेलोसिस को बहुत मंथ्स हो जाते हैं. दिस कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग एक्यूट. देन डायग्नोसिस में कल्चर करवाएंगे, सीरोलॉजी एंड PCR ये टेस्ट रिकमेंड करेंगे. कल्चर की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा. कल्चर्स में भी हेल्पफुल फ्रॉम बोन मैरो, ब्लड, लीवर और बायोप्सी. रूटीन लैब स्टडीज में हेमेटोलॉजी, सीरम, केमिस्ट्रीज चेक करेंगे, तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे एंड सिटी इमेजिंग, MRI ये भी कहेंगे पेशेंट को करवाने के लिए. मैनेजमेंट में इसका जो ट्रीटमेंट जनरली देते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं डॉक्सीसाइलिन की विथ राइफेम्पिसिन, इन दोनों मेडिसिन को कंबाइन करके दिया जाता है एंड ट्रीटमेंट टेक्स वीक्स टू मंथ्स.